जय श्री राम। मेरा आज का ये विषय, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है मिथुन राशि के जातकों के लिए, या कह सकते हैं मिथुन लगन के लोग भी इसको देख सकते हैं। सामान्यतः गोचर के लिए शास्त्र कहता है कि राशि से गोचर देखें, लेकिन कुछ शास्त्रकार मानते हैं कि लगन से भी गोचर देखना चाहिए, लेकिन लगन से इतना एप्लीकेबल नहीं होता है, राशि से ज़्यादा होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि अगर मिथुन है या आपका लगन मिथुन है, तो बृहस्पति देव जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं कि अब तक बृहस्पति देव आपकी राशि से लाभ स्थान में चल रहे थे, लेकिन अब वो आपकी राशि के लाभ स्थान से निकलकर राशि से 12वें स्थान में पहुंच जाएंगे। तो वो कैसा परिणाम देंगे? यहाँ देखने वाली बात यह है कि पहली बात, गुरु 12वें घर में गए। दूसरा, राशि से 12वें घर के जो कारकत्व हैं वो गुरु ग्रहण करेंगे। तीसरा, वो शुक्र की वृषभ राशि में होंगे। चौथा, वो इस दौरान तीन नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे। पांचवा, वो इस दौरान किन किन भावों पर दृष्टि देकर क्या करेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा। और इसमें छठी बात ये है कि बृहस्पति दो स्थान का मालिक होकर भी 12वें घर में गया हुआ है। तो ये बहुत ही खास चर्चा आपके लिए रहने वाली है कि जिसको आप सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। खास तौर पर बृहस्पति की अगर आपको दशा अंतर दशा चल रही है कुंडली में, तो आपके लिए ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि वो शुक्र की राशि में है, तो शुक्र से संबंधित दशा चल रही है तो प्रभावी है। आपको किन्हीं ऐसे ग्रहों की दशा चल रही है जो कि वर्तमान समय में या कुंडली में जब आपका जन्म हुआ उस दौरान वो कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं ग्रह, तो भी आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान इन तीन नक्षत्रों में भी गोचर करें। अब सबसे पहले आप समझिए, आपकी राशि के मालिक बुध हैं और बुध प्लेनेट और बृहस्पति आपस में सम है। सम का मतलब है कि ना भाई मैं तेरा शत्रु हूँ, ना मैं तेरा मित्र हूँ। अब बुध और बृहस्पति के लिए देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसा। सबसे पहले बृहस्पति कौन है? धन के कारक माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा वह जो भार है बृहस्पति के ऊपर, या सबसे ज़्यादा है जो प्लेनेट के बारे में जाना जाता है, वैसे तो बृहस्पति ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के, लेकिन धन के प्योर कारक है। और धन वो चीज़ है जो हर व्यक्ति विशेष के जीवन में ज़रूरी है, कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके धन का कारक उसकी राशि से 12वें घर में जाता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो ग्रह कहता है सावधान हो जाइए, आने वाले समय में धन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। क्योंकि 12वां घर किस चीज का है? खर्च का है। यानी आपने पिछले समय में जो जोड़ा है या आपके पास जो जुड़ा हुआ है वो खर्च होने की स्थिति गुरु ग्रह की वजह से बनेगी, क्योंकि 12वां घर खर्च और नुकसान का है। अब प्लेनेट बृहस्पति वहां चला गया, वो धन का कारक है, वो कहेगा जी मैं खर्च हो रहा हूं, यानी मेरे द्वारा किया गया एफर्ट्स खर्च हो रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। अब देखें जी, खर्च तो तभी होगा जब पैसा जेब में होगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ होगा। इसका मतलब ये प्लेनेट पहले आपको पैसा देगा, फिर आपसे खर्च कराएगा। बहुत बार व्यक्ति ने 50,000 महीना कमाई, 50,000 का खर्च हो गया, लेकिन कुछ बार ऐसा भी होगा कि 50 कमाने के बाद 70 का खर्चा होगा, यानी कुछ ना कुछ तरीके से किसी ना किसी से लेना पड़ेगा, या पुराना जो बैंक बैलेंस है उसमें से पैसा जाएगा। इसीलिए अगर बृहस्पति 12वें घर में ट्रांजिट करता हो तो भैया ध्यान रखो, अब आपके ऊपर हमेशा तैयारी आपको रखनी है साल भर कि भाई मेरे ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा बर्डन होता है तो मैं सेविंग्स की आदत डाल लूं। नहीं डाली है तो डाल लो, या सेविंग्स है तो उसको बचा के रखो, क्योंकि इस एक वर्ष में ऐसा जरूर आपके साथ होगा कि आपके ऊपर चाहे पारिवारिक जिम्मेदारी, चाहे पत्नी की जिम्मेदारी, चाहे किसी प्रकार की चीज़ों को खरीदने की, चाहे संतान की जिम्मेदारी या परिवार से संबंधित कोई जिम्मेदारी आएगी, उस पे पैसा खर्च होगा। गुरु धन के कारक हैं और शुक्र की राशि में, अब 12वें घर में शुक्र की राशि कहने को शत्रु की राशि है, लेकिन शुक्र को भी फाइनेंस से जोड़ा गया,
इसलिए जब शुक्र की राशि में गुरु जाता है और वो शुक्र की दो नंबर की राशि, यहाँ लिखा हुआ है दो नंबर, ये दो नंबर क्या है, काल पुरुष का दूसरा घर, कहाँ पे उदय हुआ, 12वें घर में, यानी यहाँ भी खर्च। लेकिन गुरु शुक्र के मिलन ने क्या दिखाया, पैसे की आने वाली स्थिति दिखाई, यानी यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन खर्च से आप बड़े परेशान रहेंगे कि भाई थोड़ा सा जैसे ही जुड़ने वाला होता है तुरंत किसी न किसी रूप में मेरा पैसा निकल जाता है, खर्च हो जाता है। गुरु इस दौरान तीन नक्षत्रों में गोचर करेंगे, पहला नक्षत्र सूर्य का, दूसरा चंद्र का, तीसरा मंगल का। अगर देखा जाए तो तीनों नक्षत्र के जो स्वामी हैं सूर्य चंद्र मंगल, ये गुरु यानी बृहस्पति के मित्र हैं, यानी बृहस्पति भले ही शत्रु की राशि में है लेकिन जिन कक्षाओं में वो गोचर करेगा वो तीनों की तीनों कक्षाएं मित्र की कक्षाएं होंगी। अब सूर्य की कक्षा में यानी सूर्य के कृतिका नक्षत्र में जब तक गोचर होगा तो सूर्य क्या है, तृतीयेश है, यानी इस दौरान या तो यात्राएं बढ़ेंगी या कभी कभी ट्रांसफर्स हो जाते हैं या नौकरी परिवर्तन का प्रयास होता है तो वो इस दौरान होगा। क्यों नौकरी परिवर्तन कहा मैंने, क्योंकि बृहस्पति दशम भाव के मालिकों के 12वें घर में गए हैं। ऐसी स्थितियों में यही होता है, या तो नौकरी में बदलाव होता है, बाहर से जुड़कर नौकरी मिल जाती है क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में, 12वां घर विदेश का है, या जिन लोगों की लिमिटेड कंपनियों में काम है या सरकारी में है उनको ट्रांसफर्स की स्थितियां बनती हैं। फिर गुरु आएंगे चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में, और चंद्रमा कौन है, द्वितीयेश है, यानी इस दौरान धन की स्थिति बनेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति 12वें में है इसलिए खर्च भी रहेगा। फिर आती है मंगल की कहानी, अब मंगल लाभेश है तो मंगल षष्ठेश भी है, और यही बृहस्पति यहां से बैठ के छठे घर को देख रहा है। इस बात को समझो कि बृहस्पति का छठे घर से संबंध 12वें घर से बन रहा है, और उसके अंतिम अगर देखा जाए एक साल में 4-4 महीने को अगर आप बांट देते हो तो लगभग अंतिम 3-3.5 महीने का जो समय है वो मंगल के नक्षत्र में होगा। उस दौरान क्रोध चिड़चिड़ाहट से बचना है, उस दौरान छठे घर से संबंध है तो रोग पे पैसा खर्च हो सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारी में कोई बीमार हो गया उस पे पैसा अचानक से आप पे लग गया ऐसे समझ लो, या आपके खुद के कोई हेल्थ इश्यूज आ गए और आपने उस हेल्थ इश्यूज पे अस्पताल में भर्ती होके अपना कोई इलाज करा लिया या खर्चा हो गया ऐसे समझ लो। इस दौरान छठे घर से संबंध है तो रोग ऋण और शत्रु का भाव है, कर्ज लेने से बचिए, बहुत ज्यादा नेसेसरी है तो लीजिए अन्यथा नहीं लीजिए, अवॉइड कीजिए, शत्रु पक्ष से सावधान रहिए, किसी से बिना वजह उलझने की जरूरत नहीं है। जब मंगल के नक्षत्र में होगा तो क्या हुआ, बिना वजह जोश आ गया, किसी के सामने कुछ बात कह दी और आपको प्रॉब्लम हो गई। अब बृहस्पति यहां से बैठकर चौथे घर पे दृष्टि देते हैं, और अधिकतर देखा जाता है कि जब जब बृहस्पति की दृष्टि चौथी दृष्टि चौथे भाव पे आती है तो इस दौरान अवश्य ही कोई भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पर खर्च होता है, या मैं कहूँ अगर खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करूँ, कभी कभी छोटा मोटा मकान रिनोवेशन फ्लैट प्लॉट आदि लेने में भी खर्च होता है। 12वें घर से बैठ के दृष्टि आती है यहाँ शनि के भाव पर, शनि उस दौरान यहाँ होंगे, यानी रुका हुआ धन मिलने के भी संकेत बनते हैं इस स्थिति में, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा ना दें जो आपको लगता हो कि इसमें चीटिंग है, जरा सा भी मन में डाउट हो तो समझ लो आपके साथ वो काम होगा, इसलिए अपने पैसे को मत फंसाना, ध्यान रखना। पैतृक संपत्ति का लाभ दिलने का भी यही योग है। अब सप्तम का मालिक 12वें में जाता है तो हम इसको विवाहिक संबंधों के लिए नहीं मानते, यानी ये समय विवाह के संबंधों के लिए अनुकूल नहीं है, बहुत बार ऐसा लगेगा विवाह हो जाएगा होने वाला लेकिन होता नहीं है, तो वहीं सप्तम का मालिक गया हुआ है अपने से छठे में, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखें। दशम भाव का मालिक हो गया बृहस्पति 12वें घर में है, बाहर से जुड़कर काम करना, काम के लिए यात्राएं करना, बाहर से जुड़कर अपॉर्चुनिटी करना, जॉब चेंज करना, जॉब के लिए चेंज के लिए प्रयास किया आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, तो कभी कभी दूर स्थान से जुड़कर एमएनसी कंपनी में विदेश से जुड़े हुए लोगों से फॉरेन लैंड से पैसा कमाने का मौका मिलता है, इसी को हम कहते हैं स्थान परिवर्तन, नौकरी की वजह से या ट्रांसफर या नौकरी में बदलाव भी इसी गुरु से संभव है। यानी जब तक गुरु 12वें घर में रहेंगे जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको एक बार फिर से सुन लो, ध्यान में रख लो, नोट कर लो,
कि भाई मुझे ये करना है ये नहीं करना, मेरे लिए ये बृहस्पति यहाँ पॉजिटिव है, मेरे लिए बृहस्पति यहाँ नेगेटिव है। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ ये नहीं है कि मैं मिथुन राशि वालों के लिए जबरदस्ती नेगेटिव प्रडिक्शन करूँ या पॉजिटिव प्रडिक्शन करूँ। बाजार जाइए, किताब उठाइए, शास्त्र देखिए कि जब चंद्रमा से या लग्न से 12वें घर में गुरु का गोचर होता है तो क्या होता है, आपको वहां पता लग जाएगा कि भी इन्होंने जो बताया वो और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि शास्त्र में तो इसके बारे में एक एक दो दो लाइनें ही लिखी हुई है। बाकी हम व्यवहारिक ज्योतिष लोगों की जन्म पत्रियां देखते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन देखते हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, तो हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली गुरु करेगा क्या। तो ये था हमारा आज का विषय कि गुरु ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से 12वें घर में पहुंचेंगे तो आपको क्या परिणाम देंगे। जय श्री राम।